योगी सरकार दे रही है हर महीने 1.80 लाख रुपए कमाने का शानदार मौका, बस करना होगा ये काम। गाय के मुद्दे पर अक्सर चर्चा में रहने वाली यूपी की योगी सरकार अब गाय संरक्षण को लेकर एक नया विचार लेकर आई है। दरअसल हाल ही में प्रदेश के प्रत्येक निकाय और ग्राम पंचायत में गौशाला खोलने की घोषणा यूपी सरकार ने की थी। अब उसी संबंध में योगी सरकार के पशुपालन मंत्री बेरोजगारों के लिए एक नया एवं बेहद ही खास ऑफर लेकर आए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एक प्रस्ताव प्रदेश की योगी सरकार के सामने पेश किया है। इस प्रस्ताव में गौ संरक्षण के लिए निजी स्तर पर गौशाला खोलने की बात कही गई है। मालूम हो कि इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन किसानों या अन्य लोगों के पास 5 बीघा जमीन है वे गौशाला खोल सकते हैं। कितनी होगा कमाई? इस प्रस्ताव के मुताबिक कोई भी किसान गायों या गौवंश रखने के लिए गौशाला या संरक्षण केंद्र बना सकता है। इस गौशाला में 200 गौवंश रखे जा सकते हैं। खास बात यह है कि प्रत्येक गौवंश के संरक्षण के लिए राज्य सरकार 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से खर्च देगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 200 गौवंश रखते हैं तो सरकार आपको रोजाना 6,000 रुपए देगी। इस प्रकार से 200 गौवंश को एक महीने रखने के लिए सरकार से आपको 1.80 लाख रुपए मिलेंगे। गौ संरक्षण सदन का निर्माण होगा सभी जिलों में। जानकारी के लिए बता दें कि योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में गौ संरक्षण केंद्र के निर्माण की घोषणा की है। मालूम हो कि इसमें करीब 1.20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। क्यों बनाया गौ संरक्षण सदन? पशुपालन मंत्री के मुताबिक प्रदेश के किसान गौवंश और अन्य आवारा पशुओं द्वारा फसल खराब करने की शिकायतें लगातार करते रहते हैं। ऐसे में इस समस्या का स्थायी समाधान करने के उद्देश्य से ही गौ संरक्षण सदन का निर्माण किया जा रहा है, ताकि गाय भी सुरक्षित रहे और किसान की फसलें भी।